नाचना गाना पार्टीज बहुत हो गई, थोड़ा जीवन का ये पहलू भी देख लिया है। जो सुबह मैंने इंटरव्यू दे रहा था वो लोग जो ये पूछ रहे थे आप फिल्में क्यों नहीं बनाते हो, आप पूछ रहे हैं कि फिल्में क्यों नहीं बन कर सकते आप बनाना सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं मैं आप समझ रहा हूँ क्या कर रहा है कि ये चक्कर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, आगे जब देखते हैं क्या है। ये तो मेरा मेरे लिए माई एक्सप्लोरेशन इज बीन गोइंग ऑन फॉर इयर्स, जो अंदर मेरे हो रहा है आई कैन सेंस इट हैपनिंग। And I'm allowing, बहुत चीज़ें ऐसी होती है, you have to allow yourself, you have to allow it to happen rather than provoke it. You just let yourself go into the storm and let the storm take you forward. Most of the time you're too afraid. वो डर चले जाता है, वो डर नहीं रहा, फिर भी ना बनाने का डर नहीं रहा, करियर ना होने का डर नहीं रहा, नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा तो होगा, वो सब डर निकल जाता है। आहिस्ते आहिस्ते आप खुल जाते हैं, यू बिकम फ्री ऑफ फियर, एंड एज यू बिकम फ्री ऑफ फियर देन यू आर फ्री टू डू व्हाट यू नीड टू डू एंड यू आर फ्री टू अलाउ व्हाट यू नीड टू अलाउ टू हैपन टू लेट इट हैपन, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, यू लेट लाइफ टेक यू फॉरवर्ड रादर देन मेक लाइफ टेक यू फॉरवर्ड, बिकॉज़ व्हेन यू से यू आर गोइंग टू मेक लाइफ टेक यू फॉरवर्ड यू आर मेकिंग योर माइंड दैट इज ऑलरेडी पोल्यूटेड विद एवरीथिंग दैट यू आर थिंकिंग अबाउट, देन यू हैव टू लेट योर माइंड आउट ऑफ द वे get your mind, then you, that's the biggest issue. How do you get rid of your mind? Sir, ये चीज़ आपने बताई और ये आप इंटरव्यू के दौरान भी हमने देखा कि बहुत अच्छा वार्तालाप चल रहा था प्रश्न और उत्तरों का, लेकिन मैं साफ साफ इसलिए एक छोटा सा उत्तर ये चाहता हूँ कि अभी जो जीवन का जो अगला पड़ाव है आपका, जो आपका अगला पड़ाव है उसकी वजह से आप अग्रसर हो रहे हैं अध्यात्म की ओर, या फिर आपको ये लगता है कि एक लेडी है जो 14-15 घंटे एक ही जगह बैठती है, इतने सारे लोगों को हक करती है, ये तो मैंने कहीं नहीं देखा, तो आपको आप इस चीज़ से प्रभावित हुए? मैं प्रभावित इस चीज़ से हुआ कि ये लेडी जो 14-15 घंटे एक जगह बैठ जाती है वो क्या क्या कर रहे हैं लोगों की, कितना कुछ कर रहे हैं, इतना कैसे हो गया, कैसे करते लोग ऐसा, इस चीज़ से प्रभावित हुए। 14-15 घंटे एक जगह बैठ के बैठ करने से प्रभावित नहीं हुआ, वो तो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन बाहर की जो एक्सपीरियंस है मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सब ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही कैसे हो गया, कैसे किया, और ये ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने खुद के लिए उन्होंने किया, लोगों के लिए किया, और इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं उनसे क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये जो अमेरिका से साइंटिस्ट आ रहे हैं ये सब अपने लेबॉरेटरी छोड़ के यहाँ आकर क्यों बैठे हैं, भवानी जी अमेरिका में क्यों आ गए, यहाँ आ गए, क्यों आ गए, क्योंकि लोगों के लिए कुछ करना नहीं है, ऐसा नहीं बदल, ऐसा नहीं कुछ करियर आगे बढ़ रहा है, क्यों कर रहे हैं, क्या मिलता है, ये सब मेरे इमोशन से हो रहा है और ये हो रहा है और मैं देख रहा हूँ ये हो रहा है। सर डायरेक्टर्स की लिस्ट में आप एक आइकन रहे हैं, अगर ये काम आप भी करें, आप एक जगह बैठ जाए और एक एडवर्टाइजमेंट हो जाए कि ऐसे ऐसे आप अपने जो चाहने वाले वो आपसे मिले, आप उनको हक करें सर, तो इससे सर बहुत एक सामान्य सी बात हो जाएगी कि सर ये तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया है, इसे ऑर्डिनरी जो ढूंढ रहे हैं हम वो सब जरूरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगी, जो आप कह रहे हैं कि ये बहुत, अब आप क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करेंगे, आई एम नॉट लुकिंग टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एट ऑल, आई एम जस्ट ट्राइंग वेरी हार्ड टू बी ऑर्डिनरी, टू बी ऑर्डिनरी इन इटसेल्फ इज व्हाट वी नीड टू बी, टू बी कंपैशनेट, टू बी ऑर्डिनरी, टू बी लविंग, टू बी गुड, यू नो, passionate about what you do is a very big achievement. You don't have to be a conqueror. You don't have to become a monk. Just being yourself and being compassionate, honest with yourself and being a good human being is an extraordinary achievement. Life does not have to be extraordinary beyond that. And if you can achieve that, if I can achieve a certain understanding of who I am, that to me is extraordinary. मैं यहाँ कैसे हूँ, मैं इस संसार में, इस यूनिवर्स में वो सवाल जो 12 साल का था उठाता उसका मैं जवाब दे दूँ, तो मैं मेरे लिए वो चीज़ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, फिल्मों से ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, सब चीज़ों से ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो एक सवाल का जवाब मुझे मिल गया तो मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी मान लूँगा। और कोई सवाल? Regarding the, as you are directed to direction and you are a better person to know so, and you have learned so many experience with the human life, what is the difference between Mother Teresa and Amrita Mai?
what is black of both of the headings as a given. So second, for instance, the like they on like both others. What is your opinion about that? What do you? I never met Mother Teresa. I just actually just passed by her once, and I saw her, but I never met her. I think ultimately in life we have all great compassion human beings, and one doesn't have to be better than the other. How do you get about your judgment? Apne aap ki. I judge myself, therefore I judge other people. Ab Mother Teresa or Amma me se who's better? That is my judgment upon myself, not upon them. Not better. Everybody, what is your experience, whether you have seen or not? What is your experience about that particular? What is it when you meet or when you say, what is your feeling at that time? So to be honest, who is better, who is best? Everybody went over to that technical time. See, everybody went there. I think when I watch Amma, I have tears in my eyes because of her compassion and what she's done. When I read about what Mother Teresa had done, I had tears in my eyes. I was filled with a sense of joy and compassion because of their presence. I'm filled with a sense of joy and compassion because of Amma's presence. I'm being told I have to run. Is there one more question? Then I'll take it and then we have to stop. Right. Okay, Shekar sir, there is one more question. Yeah. Okay, my opinion is that जहाँ तक मैंने आकलन कर पाया है इस वीडियो को देखने के बाद कि कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा ही आपको कहीं ढूंढ रही है, आप जो आपकी आत्मा आपको ही ढूंढ रही है. अम्मा एक माध्यम हो गई. एक चीज़ कहते हैं कि सुखी होने के लिए बहुत कम चीज़ों की जरूरत होती है, लेकिन दुखी होने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं. तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आप भी अपने आप को ढूंढ पा रहे हैं? I'm only going to Amma because I'm in search of myself. Once I find myself, then maybe I can become more compassionate. I suspect that in search of yourself, if you drop your mind and you drop your ego, you'll find compassion and love. That's my suspicion, and that's why I'm looking to see how I could do it for myself. I am in search, and maybe myself is in search of me. You're right. I am in search of myself, and maybe myself is in search of me. You're right. I am in search of myself, and maybe myself is in search of me. Okay, I have to go. Thank you very much for coming. Thank you. Thank you.